ऑल राइट, तो गोविंदा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर है जिनकी फैन फॉलोइंग काफी मैसिव थी, और हर 90s किड ने उनकी कोई ना कोई मूवी केबल टीवी पे रीरन पे तो देखा ही होगा। तुम्हें केबल टीवी याद है ना? बॉलीवुड में कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर ये स्टार नंबर वन स्पॉट पे थे, और मिड 80s में आए इस इंसान ने अपने करियर में 165 फिल्म्स में काम किया है। इनफैक्ट अपने बॉलीवुड के हिट डेब्यू के तुरंत बाद ही इन्होंने 75 फिल्म्स साइन कर ली थी, और इनकी फैन फॉलोइंग का लिटरली कोई जवाब नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि गोविंदा को कोई नहीं रोक सकता और लिटरली शाहरुख खान जितना इनका फेम हो सकता था। अंटिल गोविंदा के करियर में दुनिया का सबसे बड़ा डाउनफॉल आया और लाइन से उनकी कई सारे फिल्म्स फ्लॉप होने लगी, उनके अराउंड काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होने लगी, और धीरे धीरे उन्हें फिल्म्स मिलनी बंद हो गई। और इस चीज का ब्लेम गोविंदा ने बॉलीवुड पे लगाया कि बॉलीवुड ने उनके अगेंस्ट एक साजिश की है। Maybe they are not realizing, but they are indirectly doing very negative job, जो वो रॉन्ग टाइप के लोग करते हैं, ये यहाँ का माहौल है ही नहीं। मगर सवाल तो ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और असल में कौन है रिस्पॉन्सिबल गोविंदा के करियर के डाउनफॉल का, और क्या थी वो सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जिसके वजह से एक महान एक्टर इस इंडस्ट्री से गायब हो गया। चलिए जानते हैं इस वीडियो में व्हाट हैपेंड टू गोविंदा। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 में हुआ था। उनका असली नाम था गोविंद अरुण आहूजा। गोविंदा रियल लाइफ में बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है, और वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी चीजों में विश्वास रखते हैं। गोविंदा के फादर अरुण एके अरुण कुमार आहूजा एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश एक्टर और प्रोड्यूसर थे 40s और 50s के टाइम में, और उन्होंने लगभग 30 फिल्मों में काम किया है। वहीं पे गोविंदा की मदर निर्मला देवी एक इंडियन क्लासिक सिंगर थी जो बहुत ही फेमस थी, और गोविंदा की फैमिली बांद्रा के कार्टर रोड में बड़े आलिशान बंगलों में आराम से जी रहे थे, अंटिल गोविंदा के फादर ने एक दिन फिल्म बनाई सहरा, जो बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और उनके प्रोडक्शन हाउस को बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा, और फैमिली ने इतने बुरी तरह से स्ट्रगल किया कि उनका बंगलो उनके हाथ से छिन गया। पूरी फैमिली को बांद्रा के कार्टर रोड से सीधा विरार के एक चौल में जाके शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ पे गोविंदा पैदा हुए, और वहीं पे उनका बचपन भी गुजरा। कहा जाता है कि बचपन से ही गोविंदा काफी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, और इस चक्कर में काफी बार मुसीबत में भी पड़े हैं, और उन्हें काम रखने के लिए उनकी मदर ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो पूजा पाठ करे, जिसने गोविंदा को काम रहने में काफी हेल्प किया। गोविंदा ने कॉलेज जाके थिएटर भी किया, और वो एक एक्टर बनना चाहते थे। फिल्म डिस्को डांसर से वो इतने इन्फ्लुएंस हुए कि वो एक्टिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस करने लगे, और उस जमाने में वो इसी चीज को VHS कैसेट पर रिकॉर्ड करके प्रोड्यूसर्स के पास बांट के आ जाते थे ऑडिशन के लिए, ताकि कोई ना कोई तो उन्हें नोटिस कर ही ले। और फाइनली फिल्म तन बदन में गोविंदा को उनका पहला ब्रेक मिला, जो उनके अंकल आनंद ने डायरेक्ट किया था। पर गोविंदा की पहली रिलीज थी इल्जाम, जो एक बॉक्स ऑफिस हिट था। फिर उसके बाद आई लव 86, जिसने गोविंदा को मार्केट में लाके खड़ा कर दिया, और इसके बाद लोगों को गोविंदा काफी पसंद आने लगे। इनफैक्ट इसके बाद गोविंदा को कई सारे फिल्म्स के ऑफर आने लगे, और गोविंदा ने महज 21 साल की उम्र में 75 फिल्म साइन कर लिया था, और वो लगातार काम करने लगे। वो एक सेट से दूसरे सेट पे जाते रहते थे, और वो शिफ्ट में कई सारे फिल्म्स कर रहे थे, जिसके वजह से गोविंदा की काफी बार तबियत भी खराब हुई है। यही सब देख के दिलीप कुमार साहब ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो इनमें से कम 25 फिल्में ड्रॉप कर दे, और ये बात गोविंदा ने उनकी मानी, और फिर भी उनके झोली में 40 फिल्में थी। उनका यही मानना था कि अगर उनकी तरफ काम आ रहा है तो वो उसे मना क्यों ही करे। हेलो मेरे जैसे दिखने वाले आदमी। हेलो योगी, क्या तेरे को मीम्स पसंद है? आई मीन ऑब्वियसली मीम्स किसको पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है। इसलिए इस इंसान के एक भी दोस्त नहीं है। तेरे कौन से है? तू यहाँ क्या मेरी लेने आया है? नहीं यार, मतलब क्या तुझे पार्टनर चाहिए? मीम पार्टनर? I mean, yes, पर कैसे? जैसे तुझे मीम्स पसंद है, वैसे सेम मीम चॉइस वाला कोई तो होगा, और बस एक डेटिंग ऐप की तरह तुझे इंसान नहीं अपने पसंद आने वाले मीम्स को करना है राइट स्वाइप, और बस ऐसे ही मिल जाएगा तुझे अपना मीम पार्टनर। आई मीन कैसे मेरे जैसे दिखने वाले आदमी? अब तेरे को क्या हर चीज बताऊं? बाय डाउनलोडिंग स्मूज यहाँ पे अगर तुम्हें कोई भी मीम्स पसंद आए तो तुम्हें करना है उसे राइट स्वाइप, और विद इन 5 मिनट्स तुम्हें मिल जाएगा एक मीम पार्टनर एंड इवन फ्रेंड्स, जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। आई मीन मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। ऐसा ना बोल यार, मतलब हमारा तो मीम टेस्ट भी सेम है। क्योंकि हम दोनों सेम ही है।
तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड करो स्मूज और मीम्स राइट स्वाइप करके पाओ एक अपना मीम पार्टनर, वरना मेरे जैसे खुद से बात करते रह जाओगे। लव यू टू यार। पर उनके इसी वर्कहोलिक नेचर की वजह से उन्हें एक सेट से दूसरे सेट, दूसरे सेट से तीसरे सेट लगातार ट्रैवल करता रहना पड़ा, जो एक मेजर फैक्टर था उनके डाउनफॉल का। ये पॉइंट तुम जरूर याद रखना। मीनवाइल जब ये सब बिहाइंड द सीन चल रहा था, गोविंदा एक काफी बड़े और सक्सेसफुल एक्टर बनते जा रहे थे और फिल्म्स जैसे कि खुदगर्ज, दरिया दिल, घर घर की कहानी, हयात, गैर कानूनी एक मैसिव हिट था और गोविंदा लोगों के बीच काफी पॉपुलर होते जा रहे थे और लाइन से उनकी एक साल में ऑलमोस्ट 4 से 5 फिल्म तो रिलीज होती थी, जिसके वजह से गोविंदा लोगों की नजरों में रहते थे। इनफैक्ट 1989 में गोविंदा की 14 फिल्में रिलीज हुई। कैन यू इमेजिन गोविंदा कितना ज्यादा काम कर रहे थे। और फिर आया 90s का वो एरा जिसने गोविंदा को कॉमेडी किंग बना दिया। 90s के स्टार्ट में भी गोविंदा हिट्स पे हिट दिए जा रहे थे, पर फिर आया एक ऐसा कोलैबोरेशन उनका कादर खान और डेविड धवन के साथ, जिसने उन्हें कॉमेडी किंग का टाइटल दे दिया। जहाँ वो दौर ऐसा था कि एक तरफ बॉलीवुड रोमांस या फिर एक्शन फिल्म बना रहा था, वहीं पे गोविंदा की कॉमेडी फिल्म्स केम लाइक अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर। और अगर आप दिल्ली एनसीआर वाले हो तो आपको ये टर्म बिल्कुल नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। फिल्म्स जैसे कि राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना, हीरो नंबर 1, बड़े मियां छोटे मियां आज भी एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म है और हर 90s किड ने गोविंदा को टीवी पे ही देखा था, जिसके वजह से वो आज भी 90s किड में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। गोविंदा और कादर खान की जोड़ी इतनी हिट थी कि दोनों ने साथ में 41 फिल्म्स में काम किया और उन्होंने डेविड धवन के साथ 17 फिल्में की, जिसमें से पार्टनर डेविड धवन के साथ उनकी आखिरी फिल्म बनी। पर आगे जाके कादर खान और डेविड धवन के साथ गोविंदा के रिश्ते बिगड़ गए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गोविंदा लाइन से हिट्स पे हिट्स दिए जा रहे थे, उनकी फिल्में लगातार चली जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब गोविंदा को कोई नहीं रोक सकता। अनटिल आया 2000s का वो अर्ली एरा, जहां पे गोविंदा की फिल्म पिटने लगी, जैसे कि बेटी नंबर 1, व्हाट, दिल ने फिर याद किया, और उनकी बहुत ही कम फिल्म्स हिट हो रही थी, जैसे कि जोड़ी नंबर 1, हद कर दी आपने, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। गोविंदा ने अपना लग टीवी पे भी ट्राई किया और 2001 में उन्होंने एक टीवी शो जीतो छप्पड़ फाड़ के होस्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये शो भी एक फ्लॉप रहा और 13 एपिसोड के बाद इस शो को कैंसिल कर दिया गया। फिर आया 2003 का वो दिन, जहाँ पे गोविंदा ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके बाद उनकी जिंदगी पलट गई। 2003 में गोविंदा ने एक्टिंग से ब्रेक लेने का सोचा और 2004 में गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो इलेक्शन भी लड़े और बीजेपी के राम नायक को उन्होंने 50,000 वोट से हरा के एमपी भी बने। पर वो अपने टेन्योर में लोकसभा से काफी गायब रहते थे, जिसपे उनको बहुत ज्यादा ही क्रिटिसिज्म मिला। इसी दौरान गोविंदा की काफी सारी डिलेड फिल्म्स भी रिलीज हुई, जैसे कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे और सैंडविच, जो बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही और ऐसा लग रहा था कि गोविंदा का टाइम खत्म हो गया है। पर फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेने के बाद 2006 में गोविंदा ने कमबैक किया प्रियदर्शन की फिल्म भागम भाग से, जहां गोविंदा अपने यूजुअल लीड रोल से हटके एक मल्टी स्टार फिल्म में नजर आए और भागम भाग एक सुपर हिट फिल्म थी और लोगों को गोविंदा का रोल काफी ज्यादा ही पसंद आया। उसके बाद भी गोविंदा की फिल्म्स रिलीज हुई, जैसे कि सलामे इश्क, जहां जाएगा हमें पाएगा, पर ये बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अनटिल गोविंदा की रिलीज हुई डेविड धवन और सलमान खान के साथ कोलैबोरेशन वाली फिल्म पार्टनर, जो अगेन एक मैसिव हिट थी और आज भी पार्टनर की कल्ट फॉलोइंग है। पर पार्टनर गोविंदा की आखिरी हिट फिल्म बनी, क्योंकि इसके बाद गोविंदा की एक भी फिल्म हिट नहीं रही और कल्ट क्लासिक फिल्म करने वाले गोविंदा आखिरी बार रंगीला राजा जैसे फिल्म में नजर आए, जो लिटरली एक एम्बैरेसमेंट है। तो सवाल ये उठता है, What happened to गोविंदा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा। गोविंदा ने एक साथ 75 फिल्म साइन कर लिया था, जिसमें से उन्हें काफी फिल्म ड्रॉप करने पड़े, फिर भी उनकी झोली में 40 फिल्में थी और इवन दो उनकी फिल्म हिट पे हिट हो रही थी, उनके बिहेवियर से एक चीज तो मिसिंग था, प्रोफेशनलिज्म। और ये काफी लोगों का कहना है कि गोविंदा अक्सर सेट पे बहुत ही लेट आते थे। रवीना टंडन, जो उनकी काफी फिल्म में कोस्टार रह चुकी है, उन्होंने खुद कहा कि वो सेट पे 9 बजे पहुंच जाती थी, वो अपना मेकअप करवा लेती थी, साथ में कॉस्ट्यूम पहन लेती थी और उसके बाद वो अपनी नींद पूरी कर लेती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गोविंदा कभी भी 9 बजे नहीं आने वाले। इवन एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि गोविंदा काम के मामले में हमेशा टॉप पे है, पर सेट पे वो कभी भी सिंसियर नहीं रहते थे और यही रीजन था उनके डाउनफॉल का। और एक बार तो लिटरली
अमरीश पुरी ने एलिजेडली गोविंदा को सेट पे लेट आने के लिए थप्पड़ मार दिया था। मगर इन सारे इंसिडेंट्स के बाद भी गोविंदा बदले नहीं और कई बार तो लिटरली ऐसा हो जाता था कि शूट का पैकअप करना पड़ जाता था क्योंकि गोविंदा सेट पे पहुंच ही नहीं पाते थे। और उन्होंने अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जो जाने जाते सेट पे हमेशा टाइम से पहले आने के लिए उन बड़े स्टार्स को वेट करवाया था। सेट पे हमेशा लेट पहुंचने की वजह से प्रोड्यूसर्स को काफी नुकसान होने लगा और इवन फिल्म्स काफी डिलेड होने लगी जिसके वजह से काफी सारे फिल्म मेकर्स गोविंदा से इरिटेट होने लगे। अब मैंने 3 फिल्में बनाई, मेरे सीन में भी लेट आता था लेकिन मेरा काम हो जाता था। लेकिन और किसी एक्टर के लिए हम ऐसे बुराई नहीं कर सकते थे बिकॉज़ एक्टर एक ऐसे है ना, हम लोग सोचते ठीक है आया काम करके चले गया ना। और काफी बार तो ऐसी भी न्यूज आई कि गोविंदा सेट पे सीधा राइटर प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर से भिड़ जाते थे क्योंकि वो सीन्स को अपने वे में बदलवाने की जिद करते थे। जिसमें से एक इंसिडेंट है एक और 11 के सेट का जहाँ पे गोविंदा डेविड धवन से एक सीन को बदलवाने के लिए लड़ने लगे जिसपे डेविड धवन ने ऑब्वियसली मना कर दिया क्योंकि उन्हें उस सीन में कुछ गलत लगा नहीं और उनका साइड संजय दत्त ने लिया। और इस बात पे गोविंदा इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने संजय दत्त से उसके बाद बात करनी बंद कर दी और गोविंदा इतने हर्ट थे कि दोनों की दोस्ती वहीं पे ही खत्म हो गई। और ऐसे कई सारे एलिगेशंस आने लगे कि गोविंदा खुद को एक बहुत बड़ा स्टार मानने लगे थे और सेट्स पे उनका रूड और एरोगेंट बिहेवियर भी लोगों को देखने मिलने लगा। इवन फिल्म रन भोला रन के टाइम पे भी एक बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट हुआ जहाँ पे गोविंदा एक सीन से काफी खुश नहीं थे। उस सीन में आयरन वैद को गोविंदा को थप्पड़ मारना था बट एक मिस्टेक की वजह से गोविंदा को जोर से थप्पड़ लग गया जिसपे गोविंदा ने आर्यन को वहीं पे पटक दिया और साथ में उन्होंने उसी सेट पे सबके सामने लेट नीरज बोरा को जोर से थप्पड़ मार दिया कहते हुए कि वो सीन उनकी इमेज को डाउन करने के लिए लिखा गया है। और साथ में उनके और डायरेक्टर्स के बीच काफी सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस भी होने लगे और यही रीजन था उनके और डेविड धवन के रिश्ते खराब होने का जहाँ पे डेविड धवन ने गोविंदा को रोल देने से काफी बार मना कर दिया और गोविंदा जुड़वा 2 में रोल नहीं पाने के जुड़वा 2 क्या था नेवर इग्नोर। गोविंदा ने आपकी अदालत में ये चीज रिवील किया था कि डेविड धवन ने एक बार ये कहा तो डेविड का फोन ऑन था तो फोन पे मैंने सुन लिया वो कह रहे हैं कि चिची बहुत सवाल पूछने लग गया है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं, उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। और फिर गोविंदा को इस बात का इतना बुरा लगा कि गोविंदा ने डेविड धवन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। गोविंदा के साथ एक इशू और था कि वो हमेशा लीडिंग रोल करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना ये था कि वो एक सुपरस्टार है और कैरेक्टर रोल प्ले करना उनके इमेज के लिए बहुत ही खराब है। उन्होंने ताल मूवी रिजेक्ट की, उन्होंने देवदास में चुन्नी लाल का रोल रिजेक्ट किया क्योंकि उनका मानना था कि वो एक साइड कैरेक्टर रोल नहीं कर सकते, वो एक सुपरस्टार है। गदर मूवी ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि उसमें गालियां थी और हम सबको तो पता ही है कि उन्होंने एवेटार भी रिजेक्ट किया, पर ज्यादा नहीं हो गया। और ये सारी की सारी मूवीज मैसिव हिट थी। फिर उनका अगला बिगेस्ट मिस्टेक ये था पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। और जहां उनका कमबैक जैसे कि भागम भाग और पार्टनर एक सुपर हिट तो था पर ये सारे फिल्म्स गोविंदा के दम पे नहीं चली और उसके बाद गोविंदा की कोई भी सोलो फिल्म चली नहीं। और इवन उन्होंने साइड कैरेक्टर रोल्स भी प्ले किए इन रावण किल दिल बट अगेन पुअर स्क्रिप्ट चॉइसेस की वजह से ये भी ज्यादा कुछ चला नहीं। साथ में एक और रीजन था मल्टीप्लेक्सेस का आ जाना जहाँ 90s में सिंगल स्क्रीन का माहौल था जिसका गोविंदा को बहुत ज्यादा ही फायदा हुआ पर जैसे ही अर्ली 2000s में मल्टीप्लेक्सेस इंट्रोड्यूस हुए लोगों का फिल्मी टेस्ट बदल गया पर गोविंदा ने बदलते हुए माहौल को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया और ट्रेंड को फॉलो नहीं किया जो एक रीजन था उनके डाउनफॉल का। और फिल्म जैसे कि आ गया हीरो, फ्राइडे, रंगीला राजा जो एक मैसिव फ्लॉप थी 2017-2018-2019 के स्टैंडर्ड से ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म 90s में रिलीज हुई है। तो इन सारी चीजों का कंक्लूजन क्या है? गोविंदा अक्सर ब्लेम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री पे कि उनके साथ एक साजिश हुई है और वो ग्रुपिज्म का शिकार हुए और फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे कई बार रोल्स छीने हैं और कई बार उनकी फिल्म्स को रिलीज होने नहीं दिया है। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूं, मेरे तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, मैं सिर्फ हाथ जोड़े जोड़े घूम रहा हूं। नो डाउट कि गोविंदा में टैलेंट नहीं है, इनफैक्ट गोविंदा इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंसान है, बट इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि गोविंदा के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है फिल्म मेकर्स के लिए जिसकी वजह से काफी सारे फिल्म मेकर्स उनसे दूरी बनाने लगे। और साथ में गोविंदा जाने जाते हैं छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाने के लिए, जैसे कि कादर खान साहब ने एक बार उन्हें डांट दिया था जिसके वजह से वो इतने नाराज हुए
कि वो कादर खान से ही अलग हो गए। और ऐसे कई सारे अनबन छोटे मोटे चीजों की वजह से गोविंदा के रिश्ते कई सारे फिल्म मेकर्स के साथ धीरे धीरे खराब होते रहे। पर असली सवाल तो ये है कि क्या इसे जनता एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इस उम्र में यू हैव टू बी शाहरुख और सलमान टू प्ले द लीड। जहाँ अपने जमाने में फिल्म के पोस्टर में हमेशा टॉप पे दिखने वाले और लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर्स आज कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं जस्ट टू स्टे रेलिवेंट, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त, बॉबी देओल, जिनका एनिमल का सिर्फ एक लुक काफी था शो स्टील करने के लिए। और उनकी यही सारी ईगो के वजह से अगर उनकी करियर के डाउनफॉल का अगर कोई रीजन है तो वो खुद ही है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू गोविंदा। तो तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ ऐसा गोविंदा के साथ जिसके वजह से उनके करियर में एक्चुअल में डाउनफॉल आया? क्या तुम मेरे इन पॉइंट्स से एग्री करते हो? वेल, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल भूलना, और साथ में अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। हम ऐसे वीडियो हर हफ्ते तुम्हारे लाते रहेंगे। तुम साथ में हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो। हम मिलते हैं तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।